मस्तक पर चक्र। एक नगर में चार युवा ब्राह्मण रहते थे। धन उपार्जित करने के उद्देश्य से उन्होंने दूसरे नगर जाने का विचार किया और अवंती चले आए। वहाँ क्षिप्रा नदी में स्नान कर उन्होंने मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। मंदिर में उनकी भेंट आराधक भैरवानंद से हुई। भैरवानंद ने उन चारों को अपने आश्रम में आमंत्रित किया और वे उसके साथ आश्रम चले आए। पूरा दिन उन्होंने आश्रम में व्यतीत किया। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि भैरवानंद को अनेक सिद्धांतियाँ प्राप्त हैं। वे उससे अनुनय करने लगे। मान्यवर, आपको अनेक सिद्धांतियाँ प्राप्त हैं, कृपया कर हमारा कल्याण करें, हमें धन उपार्जना का मार्ग बताएं। उनका अनुनय सुन भैरवानंद को दया आ गई और उसने चारों को सूत से बनी एक एक बत्ती देकर कहा, तुम चारों इन बत्तियों को अपने हाथ में लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान करो। वहाँ की तराई में स्थित वन में तब तक चलते जाओ जब तक बत्ती किसी स्थान पर गिर न पड़े। जहाँ बत्ती गिरी उस स्थान की पूजा करो, तुम्हें गणा धन प्राप्त होगा। अगली सुबह बत्तियाँ लेकर चारों ब्राह्मण ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे हिमालय की तराई में पहुँचे। वहाँ घने जंगल से गुजरते हुए एक ब्राह्मण की बत्ती गिर गई। उसने जब उस स्थान की खुदाई की तो उसे तांबे की खान प्राप्त हुई। उसने दूसरे ब्राह्मण से कहा, आओ जितना तांबा इकट्ठा कर सकते हो कर लो और वापस चलो। लेकिन सब ने मना कर दिया और बोले, मूर्ख, हमने बहुत सारा तांबा इकट्ठा कर भी लिया तब भी हमारी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तांबा लेकर घर लौट गया। शेष दिन आगे बढ़ गए। कुछ दिन चलते रहने के बाद एक स्थान पर दूसरे ब्राह्मण के हाथ की बत्ती गिर गई। उसने उस स्थान की भूमि को खोदना प्रारंभ किया। वहां उसे चांदी की खान प्राप्त हुई। वह दूसरे ब्राह्मणों से बोला, आओ जितनी चांदी उठा सकते हो उठा लो और घर वापस चलो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोले, मूर्ख, बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर लेने पर भी हमारी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी, आगे हमें अवश्य सोने की खान प्राप्त होगी, इसीलिए आगे चलो। किंतु दूसरा ब्राह्मण चांदी पाकर संतुष्ट था। उसे चांदी इकट्ठा की और घर लौट गया। शेष दो ब्राह्मण आगे बढ़ गए। कुछ दिन चलते रहने के बाद तीसरे ब्राह्मण की बत्ती गिर गई। उस स्थान को खोदा गया तो वहाँ सोने की खान निकली। वह अपने साथी से बोला, आओ तुम भी जितना सोना चाहते हो ले लो और घर वापस चलो, इससे आगे जाने की क्या आवश्यकता है। चौथे ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, तुम्हें बुद्धि है या नहीं, आगे अवश्य हमें हीरो की खान मिलेगी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। किंतु तीसरा ब्राह्मण सोना पाकर संतुष्ट था। वह सोना लेकर घर लौट गया। चौथा ब्राह्मण अपनी यात्रा अकेले ही जारी रखते हुए आगे बढ़ता रहा। गर्मी और भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। अब उसे रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक स्थान पर पहुंचा। वहां उसने एक व्यक्ति को देखा। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण उसे देख अचरज में पड़ गया। वह उस व्यक्ति के पास गया और पूछने लगा, आप कौन हैं और आपके सिर पर ये
चक्र क्यों घूम रहा है। उसी क्षण व्यक्ति के सिर पर घूम रहा चक्र ब्राह्मण के सिर पर घूमने लगा। ब्राह्मण चीख उठा, यह क्या हुआ। वह व्यक्ति बोला, इन्हीं परिस्थितियों में यह चक्र मेरे सिर पर घूमने लगा था। ब्राह्मण को उस चक्र से बहुत कष्ट हो रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, मुझे इससे कब मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति ने उत्तर दिया, जब कोई यह जादू की बत्ती लेकर आएगा, उसे बात करने लगेगा, तब तुम्हारे सिर से चक्र उतर कर उस व्यक्ति के सिर पर घूमने लगेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और ब्राह्मण सिर पर घूमते हुए चक्र के साथ वहाँ अकेला रह गया। कई दिन बीत गए और ब्राह्मण घर नहीं लौटा तो उसके स्वर्ण सिद्धि नामक मित्र को उसकी चिंता हुई। वह उसके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसका ब्राह्मण मित्र खून से लथपथ है और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा है। यह देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, मित्र यह तुम्हें क्या हुआ है। चक्रधारी ब्राह्मण बोला, भाग्य मेरे साथ नहीं है मित्र, यह उसी का परिणाम है। फिर उसने अपने मित्र को घूमते चक्र की सारी कहानी सुना दी। जब उसने कहानी समाप्त की तब मित्र बोला, मित्र तुम बहुत ही विद्वान हो परंतु तुम्हें विवेक बुद्धि की कमी है। अब तक तुम्हें समझ नहीं आया है कि यह चक्र तुम्हारे लोभ का परिणाम है। यदि तुम अधिक लोभ ना कर वापस लौट आते तो सुख का जीवन व्यतीत कर रहे होते। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।